हरे धनिया मिर्ची नारियल की तड़के वाली चटनी, एकदम साउथ इंडियन स्टाइल चटनी, मस्त बनकर तैयार है। एकदम लाजवाब चटनी, एकदम होटल जैसी इडली डोसा अप्पे की चटनी बनकर तैयार है। तो देख सकते हो कितनी मस्त। मैं हूँ प्रिया, प्रियास किचन व्लॉग में आप लोगों का फिर से एक बार स्वागत है। तो फ्रेंड्स, अभी तक आप लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ कीजिए, वीडियो को पूरा देखिए, लाइक करना बिल्कुल ना भूलिए। तो चटनी बनाने के लिए मैंने लिया है 1 कप नारियल। नारियल को अच्छे से बारीक कट कर लिया है। 1 कप मैंने लिया है हरा धनिया, 5 से 6 मिर्च ली है हरी, 3 से 4 मैंने लिया है लहसुन और थोड़ा सा लिया है जीरा। तो ये मैंने लिया है नारियल के टुकड़े को अच्छे से बारीक कट कर लिया है। इसको डाल दिया है मिक्सी ग्राइंड में। इसमें ऐड कर दिया है मैंने लहसुन, मिर्ची और जीरा, और डाल देंगे ऊपर से धनिया पत्ती, ढेर सारी धनिया पत्ती। इसको देख सकते हो अच्छे से काट करके धो के मैंने इसमें डाल दिया मिक्सी जार में। अब इसमें क्या करेंगे, स्वादानुसार डाल देंगे हम इसमें नमक। तो मैंने इसमें थोड़ा सा डाल दिया है नमक, थोड़ा सा डाल देंगे पानी और ढक्कन लगा के इसका पेस्ट बना लेंगे। तो पानी कम लगेगा तो आप इसको पानी का इस्तेमाल थोड़ा सा कर सकते हो। तो मैंने तो इसमें पानी डाल के थोड़ा सा इस तरीके से इसको पीस लिया है। बहुत ही मस्त हमारी चटनी बनकर तैयार होगी। इस तरीके से बॉल में मैंने निकाल दिया है चटनी। तो चलो इसका तड़का बनाएंगे। तो मैंने लिया है 1 चम्मच मैंने लिया है तेल। तेल को अच्छे से कड़क गर्म होने देंगे तभी तो मज़ा आएगा तड़का का। तो मैंने 1 चम्मच मैंने डाल दिया है सरसों के दाने। अच्छे से तड़कने लगेंगे तो उसी में डाल दिया है मैंने 4 से 5 लाल मिर्च, सूखी मिर्च। इसमें थोड़ा सा डाल दिया है मैंने कड़ी पत्ता। और वाह, हमारा तड़का एकदम बनकर तैयार है, देख सकते हो। इस स्टेज पे मैंने कर दिया गैस को बंद। तो इसको तड़का देंगे चटनी पे। तो देख सकते हो कितना मस्त तड़का दिया है, एकदम साउथ इंडियन स्टाइल में चटनी बनाकर दिखा दी है आपको। इसको चम्मच से कर देंगे मिक्स और हमारी चटनी बनकर तैयार है। बहुत ही आसानी से और बस 5 मिनट में हमारी ये चटनी बनकर तैयार होगी। आप इसको इडली डोसा सांभर के साथ खा सकते हो और इसको आप पराठों के साथ में भी, बहुत मस्त लाजवाब हमारी चटनी लगेगी और मस्त बनकर तैयार है। तो फ्रेंड्स, आप लोगों को आज की रेसिपी कैसी लगी, अच्छी लगी होगी तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को पूरा देखने के लिए धन्यवाद। ऐसे ही मैं आप लोगों के साथ में वीडियो शेयर करूँगी अच्छे। तो मिलते हैं ऐसे ही नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।